थैंक यू. आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू एस्ट्रल ग्लोबल अवार्ड, डी एस इंटरटेनमेंट, एन जी एच इज अ प्राइवेट लिमिटेड, एंड इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग आई हैड एंड आई एंजॉयड अ लॉट. एंड दे हैव दैट रैम शो ऑल्सो, मिस नवी मुंबई 2000, आई थिंक सीजन 9, एंड इट वॉज ग्रेट. आई एंजॉयड अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल अवार्ड. बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइनअप है. आई हैव डन मोर देन 30 सॉन्ग्स, गुड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. इफ यू गाइज आर नॉट फॉलोइंग मी, जस्ट फॉलो मी बाय द नेम ऑफ आई एम खुशबू खान एंड यू विल गेट टू नो मोर डिटेल्स. एंड आई जस्ट हैव कम्प्लीटेड वन मूवी, इट्स कमिंग ऑन मे बी इन मार्च एंड यू विल सी अ सरप्राइज फ्रॉम माई साइड. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सो मच. मुझे सीरियसली बता रही हूँ, आज एक तो क्रिसमस है, तो क्रिसमस पर यहाँ पर आके सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और अंदर एक फैशन शो चल रहा है, मिसेज नवी मुंबई सीज़न 9, और ये एक अवार्ड फंक्शन भी है यहाँ पर, इसका सीज़न 3 है. सो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है. ऑल कंटेस्टेंट आर वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड. सो मेरी विशेज उन लोगों के साथ है. अभी नया साल भी आ रहा है, तो आप सभी के लिए विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024. तो ये साल आप लोगों की लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आए, इस साल से भी ज़्यादा. क्या प्रोजेक्ट्स आपके अपकमिंग हैं? हाँ जी, अभी मैंने वेब सीरीज़ का शूट कम्प्लीट किया है जियो के लिए, जिसका नाम है बवंडर, और म्यूज़िक वीडियो मैंने कंप्लीट किया है. और अभी मेरी एक मराठी मूवी लई झक्कास, वो रिलीज़ हुई है. सो पाइपलाइन में जो मेरी मूवीज़ हैं, एक और है जिसका भी शूट जाने वाला है ऑन फ्लोर पे, और म्यूज़िक वीडियो है. वेलकम. मैं बहुत थैंकफुल हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस एस्ट्रल ग्लोबल अवार्ड्स, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल फॉर एवरीबॉडी हु हैव सपोर्टेड मी, लव्ड मी, एंड आई वुड जस्ट से कीप सपोर्टिंग. एंड या अभी जस्ट विक्रम वेदा आई है ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान के साथ. देयर इज वन मोर अपकमिंग मूवी, इट्स युद्र विद सिद्धार्थ चतुर्वेदी, और अभी मेरा सॉन्ग भी रिलीज हुआ है पहली दफ़ा ऑन लीन्स प्रोडक्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन यूट्यूब. एंड बहुत सारे एड्स वगैरह किए हैं, सो अब बहुत चीज़ अपकमिंग आएंगी. मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैंने देखा पूरा, मदर्स थी, कितनी सारी फीमेल कंटेस्टेंट्स थी, और मैं बहुत प्राउड थी कि वो लोग कर रहे हैं, उनके बच्चे उनको चीयर कर रहे हैं, और जिनको पार्टिसिपेट नहीं करने मिला, आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर कर पाओगे, और जो जीतेंगे अभी उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस. वेलकम. बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने ऊपर वहीं पर स्टेज पर भी बोला था कि हर एक एक्टर को, जो भी एक्टर उनको उनके काम के लिए रिकॉग्निशन मिलता है, तो बहुत बड़ी बात होती है. हर एक अवार्ड हमारे लिए बहुत मायने रखता है, एंड दिस ऑल्सो इज़ रियली स्पेशल, एंड आई एम रियली ग्लैड टू अचीव दिस अवार्ड, एंड आई एम थैंकफुल टू द एस्ट्रल अवार्ड्स फॉर दिस ऑनर. जी जी, मैं वही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि आप पार्टिसिपेट करो, वही सबसे बड़ी बात होती है. यहाँ स्टेज पे आके अपने बारे में बोलना ही वही बहुत बड़ी बात होती है. सो दे आर हैविंग डूइंग रियली गुड, एंड आई एम जस्ट हैप्पी फॉर देम, एंड आई विश दैट जो भी जीते द बेस्ट वन शुड विन. जी अभी मैं एक फिल्म शूट कर रहा हूँ छावा, विकी कौशल सर के साथ. बाकी अभी एक फिल्म मैंने साइन की है विच इज़ गोना स्टार्ट शूटिंग इन फेब, वी आर शूटिंग फॉर दैट. बाकी कई सारी फिल्म है जो मेरी 2024 में रिलीज़ होने वाली है, वीर सावरकर है, फिर कोविड स्टोरीज़ है, ऐसी कई सारी फिल्म है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो थैंक्स करना चाहता हूँ डीएस एंटरटेनमेंट का एंड निकी ग्रोवर जी का, जिन लोगों ने मुझे इन्वाइट किया, एंड नवी मुंबई का. बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा अवार्ड शो है और बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर आके. आप लोग तो जानते ही हैं, जैसे कि मैंने मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, चोर निकल के भागा भी मेरी मूवी रिलीज़ हुई है. देन अभी मैं शूट कर रहा हूँ सनी देओल के साथ, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, उनकी मूवी कर रहा हूँ बाप. देन रेत, बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, यू मस्ट हैव सीन. बस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया. मेरी तो दुआएँ हैं बी एस एंटरटेनमेंट के साथ और इन लोगों के साथ कि ये दोबारा से ये शो करें
और काफ़ी लोग ये फिर से जुड़ें, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि मिसेज आई एम वेरी थैंकफुल टू अस्त्रल ग्लोबल अवार्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस मिसेज नवी मुंबई सीजन 9। तो बहुत ही अच्छा लगा कि, और मेरे लिए उन लोगों के लिए ख़ास दुआ है कि इतनी एज में भी, मतलब शादीशुदा औरतें भी इतना सब कुछ कर सकती हैं, मैरिड वुमेंस भी इतना सब कुछ कर सकती हैं, ये मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगा देखकर। और बहुत ही इंस्पायरिंग लेडीज़ हैं, बच्चे भी उन्होंने बड़ा, उनके बच्चों ने बड़ा उनको अच्छा प्रोत्साहित किया, बड़ा अच्छा से उनको अच्छा वेलकम किया। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत मज़ा आया। बस ऐसे ही ये लोग प्रोग्राम करते रहें और हम आते रहें, हमें आप लोग इन्वाइट करते रहें। थैंक यू। हाँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल अवार्ड फंक्शन है और मुझे यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच संजीव जी फॉर इनवाइटिंग मी। एंड यू नो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि कोई आपको इनवाइट करता है और आपको अप्रिशिएट करता है आपके काम को, स्पेशली ये हमारे लिए आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। एंड ये शो बहुत ही खूबसूरत है, मिसेज नवी मुंबई। एंड इस टाइम पे जो अभी दौर चल रहा है यहाँ पे, अभी मिसेज को, मतलब जो भी न्यूली मदर्स है या न्यूली मैरिड है, उनको मौका मिल रहा है यू नो अपने आप को स्टेज पे दिखाने का मौका मिल रहा है जो पहले नहीं होता था। आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे लोगों को भी यू नो अपने आप को स्टेज पे दिखाने का मौका मिल रहा है। और क्या प्रोजेक्ट्स है आपके अपकमिंग? मेरी एक मून फिल्म आने वाली है वेरी सून, जो कि अभी एक गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिए अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुई है। ये गवर्नमेंट का अवार्ड है, होपफुली हमें वो अवार्ड मिल जाए एंड रिलीज़ होने वाली बहुत जल्दी एक अच्छी OTT पे। और मेरी रिसेंटली एक सीरीज़ चल रही है ऑलरेडी अमेजोन पे, इट्स अ प्रोजेक्ट गंगा, आप लोग देख सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको शहीदी दिवस की शुभकामनाएँ और हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, लाइक ऐसा लग रहा है कि देश का भविष्य फुल एनर्जी में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मिसेस नवी मुंबई हो रहा है जी, तो आप उनको कुछ मिसेस देना है? आई मतलब लेडीज आर वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी हैप्पी टू सी देम, लाइक यू नो लाइक हाउस वाइफ होने के बाद भी अब जब अपने लिए इतना सारा टाइम निकाल सकते हो तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैं मुझे पता है कि लाइक ए पेजेंट्स एंड आई लाइक वेरी टफ थिंग टू हैंडल, बिकॉज़ आई माई सेल्फ बीन अ मिस हिमालय 2023। तो मुझे पता है कि स्ट्रगल बहुत लंबा रहता है, बट आफ्टर बीइंग अ हाउस वाइफ आप अपने लिए इतना टाइम निकालते हो, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। मिसेज नवी का 9 ईयर है और ये शो सुपर डुपर हिट 9 साल से चल रही है, सबको मालूम है। और दीपक शेट्टी DS एंटरटेनमेंट इसको करते हैं और जो इसका आने वाला 10वां साल है, वो ऐसा धमाका होगा कि नवी मुंबई का देखेगा, नवी मुंबई की शान होगा वो। और इसमें जितने भी हाउस वाइफ हैं, जो लेडी हैं, मैरिड लेडी हैं, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है। और कितनी लेडीज हम फिल्मों में काम कर रही हैं, मूवीज़ काम कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, तो उनको यहाँ से प्लेटफॉर्म मिला है, जो अपनी शादी के बाद, बच्चे होने के बाद जो प्लेटफॉर्म को नहीं मिला था, दीपक शेट्टी DS एंटरटेनमेंट को ये प्लेटफॉर्म दिया है। और हमारे नवी मुंबई के लिए शान की बात है कि मिसेज नवी मुंबई ये हमारे यहाँ सिडको ऑडिटोरियम में हो रहा है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके हैं। आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको भी बोलूँगा जो मिसेज नवी मुंबई का शो है, एक बार आके देखें, जब वो देखें उनको कॉन्फिडेंस आएगा तो खुद आगे बढ़ के आएंगे अपने आप। अच्छा, 10वें साल की क्या तैयारी है? मिसेज नवी मुंबई 10 ईयर आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया है। मैं सबको ये बोलना चाहूँगा अपना जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि लिमिटेड सीट है उसके अंदर और वो शो में बहुत धमाका होने वाला है। 10 ईयर बहुत खास होगा ये मिसेज नवी मुंबई का। चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ घर पे बैठी है ना, जिनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जिनकी नई नई शादी हुई है, आप प्लीज़ प्लीज़ अपने टैलेंट को दिखाइए। जो शादी के बाद काफ़ी लड़कियों को आई नो कि नहीं दिखाने का मौका मिलता है, वो दीपक जी ने मौका दिया है सब लेडीज़ को। आई थिंक जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। वेरी वेरी थैंक यू फॉर द सैंडी एंड दीपक शेट्टी सर, सी ही गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर एंड दिस अवार्ड अचीव। एंड नेक्स्ट मंथ में हमारा ऐसे ही एक जॉइंट इंटरवेंस का अवार्ड होने वाला है, मिस एंड मिसेस अंडमान 2024 19 जनवरी। हम मिलेंगे उधर ही। थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजर्स एंड टीम्स 2000 नवीन मुंबई। थैंक यू। तो NG एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हम इसमें 2 इवेंट्स कर रहे हैं नवी मुंबई में। वैसे हमारे काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। DS एंटरटेनमेंट के साथ नवी मुंबई में हमारे 2 इवेंट्स हैं। एक है एस्ट्रल ग्लोबल अवार्ड्स, जो हमारा ही कंसेप्ट था। नवी मुंबई में जब हम आए तो
तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई अवार्ड शो नहीं है, तो अवार्ड शो के फोरम में वी आर द वंस हु आर डोमिनेटिंग, और यहाँ पे हर जेंडरी के लोगों को अवार्ड मिल रहा है जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उनको हम अवार्ड देते हैं। उसके अलावा डीएस एंटरटेनमेंट के साथ हमारा मिसेज नवी मुंबई शो भी है, उस वो थर्ड ईयर चल रहा है उसका भी हमारा, और ऑल द थ्री ईयर्स वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल, वी हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल ऑफ नवी मुंबई एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट द शो इज़ डूइंग सो वेल। इट इज़ गोइंग अहेड ईयर बाई ईयर, हर एक साल दूसरे साल से आगे बढ़ रहा है, और इतना सारा प्यार जो हमें मिलता है आप सभी नवी मुंबई की जनता से, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, सबसे बड़ा प्रोत्साहन वही है हमारे लिए, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस मीडिया, आप लोग यहाँ पे आए, आपने हमारा अवार्ड शो कवर किया, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड गिव योर गुड विशेस कि अगले साल हम इससे और ज़्यादा बेहतर कर पाए, क्योंकि ये जो दो इवेंट्स हैं मिसेज नवी मुंबई और एस्ट्रल ग्लोबल अवार्ड्स जो हम दोनों करते हैं, डीएस एंटरटेनमेंट एंड एनजी एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ के आइकॉनिक इवेंट्स हैं, सबसे बड़े इवेंट्स हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी इट्स डूइंग वेल एंड ऑल द बेस्ट टू अस एंड वी विश दैट एवरी ईयर वी ग्रो सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत गर्व होता है निकी ग्रोवर का अचीवमेंट देख के, शी हैज़ बीन अ ग्रेट अचीवर सिंस द एज ऑफ 22, शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सिटी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड फ्रॉम देयर शी हैज़ ग्रोन एंड डेवलप्ड हर ओन कंपनी एनजी एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो, एंड शी हैज़ बीन doing very great in her field of education, where she is doing setup of schools, teacher trainings and recruitments at senior level, vice principals, principals, dean, vice chancellors. So I wish her best of luck and I am very proud of her. Aaj Astral Global Awards ki taraf se Paradise Group ke Sai World Empire project jo 18 ekad mein hai Khargar mein, उसको बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है एस्ट्रल ग्लोबल ने। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को इस तरीके से सराहा, उसकी पहचान बनाई और उसे इस तरीके से अप्रिशिएट करके हमें स्टेज पे बुला के अवार्ड किया। मैं खुशी से जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारा जो 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें फ़ेज़ वन साई वर्ल्ड एम्पायर में ऑलरेडी हम OC रिसीव कर चुके हैं इसी महीने में, और 950 यूनिट के आसपास हम लोग इसमें कस्टमर्स को पोजीशन देने वाले हैं। बहुत जल्द हम लोग कस्टमर्स के लिए एक वहाँ पे प्रोग्राम रखेंगे जहाँ हम कस्टमर्स को हैंडओवर सेरेमनी देंगे, और ऑलरेडी इसका पोजीशन देना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और पहला खारगर का थीम बेस्ड प्रोजेक्ट मैं बोल सकता हूँ, पनवेल हम लोगों ने पहले साई वर्ल्ड सिटी थीम बेस्ड प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है, यानी एक जो वो लैंडमार्क क्रिएट करना था जो पैराडाइज ग्रुप शुरू से मानती आई है, और ये जो थीम बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर जो लैंड पैराडाइज ग्रुप ने जो एक्सपर्टीज़ अभी ले ली है साई वर्ल्ड एम्पायर को डिलीवर करके, तो ये किंग्स एंड क्वींस के लाइफ स्टाइल पे पूरा हम लोगों ने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, लिव लाइफ किंग साइज जैसे बोला जाता है, तो ये प्रोजेक्ट में भी हम लोगों ने उसी तरीके का कुछ क्रिएशन हमारे कस्टमर्स के लिए किया हुआ है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम डिलीवर कर पा रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब कस्टमर्स का जिन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा, पेशेंस रखा, हमारे साथ रुके रहे, डटे रहे, कोविड जैसे सिचुएशन में भी हमारे ऊपर भरोसा करके उन्होंने हमारा साथ दिया, और आज हम सब की उनकी हम सब की जीत है, हम उनको उनका सपनों का घर डिलीवर करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे सबकी बढ़ोतरी हो, सबको प्रोग्रेस हो, और इन सब के प्रोग्रेस के साथ पैराडाइज ग्रुप का भी और प्रोग्रेस हो। थैंक यू सो मच। सर, डीएस एंटरटेनमेंट की तरफ से आज यहाँ पे मिसेस नवी मुंबई भी रखा है, हाँ, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, आप उनको क्या मैसेज? मैं उनको पैराडाइज ग्रुप की तरफ से सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगा, और मे द बेस्ट प्लेयर विंस, जो सबसे बेस्ट हो वो ज़रूर जीते, और हमारी शुभकामनाएँ हैं जो जीतने वाले हैं।
Jaya Parmar and I'm the winner of Mrs. Navi Mumbai. And I have, I've not expected it, but I'm so overwhelmed that I received this award and I'm so happy for it. And I thank my family for the support which they have given me and unconditional love from each and every contestant and the mentors. Thank you. Hello, my name is Deepa Badguzar. I'm so glad for this platform who have given me this opportunity and I'm sure I'm going to fly more high with this title which I have got today. And I want to thank everyone of Mrs. Navi Mumbai, also our DS team members, Dinesh sir, and also a Deepak sir, who really help us a lot. Thank you so much. Hello. माझं नाव प्रिया घावटे. सौभाग्यवती नवी मुंबई 2023 मला सेकंड रनर अपचा पुरस्कार मिळालेला आहे आणि मी खूप खुश आहे यासाठी. आणि मी सगळ्यांना हेच सांगेल की तुम्ही नेहमी प्रयत्न करत राहा, हार नका मानू. ठीक आहे, हार जीत तर होतच राहते, पण त्यातून आहे ना तुम्हाला काही ना काहीतरी शिकायला भेटतं आणि जे तुम्ही शिकाल ना ते तुम्हाला पुढच्या ह्याच्यासाठी उपयोगी येतं. धन्यवाद. सर, अँड निशिता सुवर्णा मॅम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू टेक पार्ट इन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन अँड थँक्यू फॉर दिस ऑनर अँड थँक्यू सो मच ऑल टीम मेंबर्स. थँक्यू सो मच. हॅलो, माय सेल्फ प्रियंका चौधरी बासू. आय एम द विनर ऑफ मिसेस नवी मुंबई 2023 क्लासिक कॅटेगरी. आय एम एक्स्ट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड, my mother, my family, my husband, and above all TS Entertainment and NG Advisor for giving me this beautiful platform. Deepak Shetty sir and Nishita ma'am are truly the great mentors. Today where we are standing is just because of their cooperation and support. Thank you so much. Namaskar, majhe naav Deepa Alankar Matre. मी आज मिस नवी मुंबई 2023 फर्स्ट रनरअप झाली आहे, त्यामुळे मला खूप आनंद होत आहे. स्वप्नसुद्धा वाटलं नव्हतं कधी अशी वेळ येईल आपल्यावर की आपण एवढ्या मोठ्या मंचावर असू, पण आज खूप खूप धन्यवाद त्या देवाचे पण आणि माझ्या फॅमिलीचे पण. माझं नाव समीक्षा समीर म्हात्रे आहे आणि मी सेकंड रनरअप आहे मिसेस नवी मुंबईची. ह्यासाठी मी दीपक सरांना, निशिता मॅम आणि ऑल सगळ्या टीमला मी खूप खूप मनापासून त्यांचा आभार मानते आहे की आम्हाला मिसेसला एवढा छान मंच दिल्याबद्दल, आम्हाला आमचं टॅलेंट दाखवायला भेटलं आणि मी खूप खूप आभार मानते माझ्या एकविरा आईचा ज्यांनी माझं आज हे स्वप्न पूर्ण केलं. थँक्यू. माय नेम इज सुधांशु बाला सिंग अँड आय हॅव वन क्वीन ऑफ नवी मुंबई मिसेस नवी मुंबई 2023. इट वॉज अ कम्प्लीट एनरिचिंग जर्नी ऑफ 5 days. वी केम, एव्हरी वन केम ॲज अ रॉ पर्सन, बट दीपक सर, निशिता मॅम, दिनेश सर, दे ऑल टॉट अस सो वेल. वी ऑल रॉक्ड ऑन द स्टेज, नॉट जस्ट मी, एव्हरी वन रॉक्ड ऑन द स्टेज. येस, विनर्स वर लिमिटेड, बट एव्हरी वन इज अ विनर टुडे बिकॉज एव्हरी वन इज ऑन स्टेज. That's how we all are the winner. Thank you so much. नहीं, जर्नी के बारे में तो क्या आपको ऑलमोस्ट पता ही है, ये 9 साल का स्ट्रगल क्या शुरुआत 2015 में हुई थी और 2023 एक कंसेक्यूटिव 9 ईयर्स हमने ऑफलाइन किया है मिसेज नवी मुंबई को. और आपके सामने आपने देखा कि जो कुछ हाउस वाइफ्स है, जो काम करते हैं बिजनेस है, सब पार्टिसिपेट किया आज. एंड आप सबका, आप सबका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब कवर करते हो, ऐसे ही कवर करते रहो और इससे ज़्यादा संख्या में अगले साल आके कवर करो. मिसेस नवी 10वें साल को हम जलसा करेंगे. ओके, 10वें साल का आज आपने अनाउंस किया था, क्या स्पेशल है कुछ बताओगे? स्पेशल क्या है सर कि 1.5 से 2 लाख का कैश प्राइज रहेगा उसमें. और जैसे कि हमारे हैशटैग के लिए हम बहुत फेमस है, तो अगले साल का जो हैशटैग हमने अभी डिक्लेयर कर दिया, इस साल हैशटैग है कि सपने यहाँ सच होंगे. मिसेस नवी मुंबई, लेट्स सेम डेट पे मिलेंगे. सेम डेट, हम डेट चेंज नहीं करते. 25th of December को ही होता है और नेक्स्ट ईयर भी 25th of December को ही होगा. थैंक यू. थैंक यू.